चार दिन पहले गुड़साय थाना क्षेत्र में जैन परिवार के घर डकैतों ने डकैती की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर झांसी के पुलिस महकमे से लेकर शासन में बैठे पुलिस महकमे के आला अफसरों में बेचैनी का माहौल बना दिया था। इस डकैती कांड का खुलासा करने के लिए झांसी पुलिस की 5 टीमें लगा दी गई थी, जो दिन रात वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश कर रही थी। बीती रात झांसी पुलिस को सूचना मिली कि 2 बाइक सवार बदमाश किसी बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहे हैं। इन्हीं बदमाश की लोकेशन को ट्रेस कर पुलिस की कई टीमों ने गुड़सराय एरच रोड पर सघन वाहन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों को रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद भी पुलिस ने दोनों बदमाशों को की घेराबंदी करने की कोशिश की। बाइक पर पीछे बैठे बदमाश लगातार बाइक पुलिस पर कर्मियों पर गोली चला रहा था। जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरा बदमाश की बाइक अनियंत्रित होने के बाद बाइक फिसल गई, जिसके चलते बदमाश घायल हो गया। दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस को 3,80,000 रुपये की लूट की नकदी के साथ साथ पीड़ितों के तमाम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि गुड़सराय एरच रोड पर आधी रात के बाद स्वाट टीम के साथ कई थानों की पुलिस चेकिंग कर रही थी। फिलहाल मुठभेड़ में बदमाश के घायल होने के बाद बाइक बरामद हुई है। इसके अलावा 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं, साथ ही कारतूस भी पुलिस ने मौके पर बरामद किए हैं। फॉरेंसिक की टीम के पहुंचने के बाद बरामद बैग को खोला गया तो उसमें 3,80,000 रुपये की जो नकदी थी डकैती के दौरान लूटी गई थी वो पुलिस ने बरामद कर ली है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, डकैतों से पूछताछ कर रही है। जिस तरह से मुठभेड़ सामने आई है उसके बाद 2 बदमाशों के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसमें पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पुलिस गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले में 4 अन्य बदमाश फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले में दबिश देकर एक और बड़ी कार्रवाई करके फरार 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने का काम करेगी। फिलहाल पुलिस की कई टीमें अभी भी फरार बदमाशों की तलाश में लगातार चेकिंग अभियान चला रही हैं और इस पूरे मामले में झांसी के पुलिस अफसर भी पल पल की निगाह बनाए हुए हैं। हर हाल में इस डकैती कांड का पूरा पुलिस खुलासा करके रहेगी, ऐसा पुलिस अफसरों की तरफ से दावा किया जा रहा है। पुलिस द्वारा मुठभेड़ किया गया, इसमें आपका क्या कहना है? ये आज गुड़सरायपुर थाने के हर सिंगार तिराहे पे स्वाट टीम प्रभारी SHO गुड़सराय, SHO मऊरानी, SHO रक्षा द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उच्च अधिकारियों द्वारा जो गुड़सराय में डकैती हुई थी उसी के संदर्भ में पुलिस को सूचना मिली थी, तो यहाँ चेकिंग लगी हुई थी। तो एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्ति आ रहे थे, तो पीछे पुलिस को देखकर पीछे वाले लड़के ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस ने उसको लड़कारा, चेतावनी दी, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। पुलिस ने दौड़ाया तो वो मोड़ के भागने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल गिर गई, लेकिन गोलीबारी लगातार उसके द्वारा जारी रही, जिससे पुलिस द्वारा आत्मसुरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया। उसे CSC गुड़सराय भेजा गया, साथ ही उसके साथ दूसरा साथी मौके पर पकड़ा गया, जिससे पुलिस को 3,80,000 रुपये बरामद हुआ। साथ ही वादी का बैंक पासबुक और आधार कार्ड भी मिला है। और जो व्यक्ति घायल हुआ है वो अर्जुन शिवहरे, जो रहने वाला हमीरपुर का है। दूसरा व्यक्ति जो गरौठा का है अजय सिंह, अजय अहिरवार, जो घायल नहीं है लेकिन मौके पे पकड़ा गया। उसी से पूछताछ करने पे उसने कुछ और लोगों को बताने का प्रयास किया। और ठीक है, धन्यवाद।